फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब खरड़ा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, आज अपन भारतीय सेना में जो इंडियन एयरफोर्स में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आज इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, आज 22 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लास्ट 7 फरवरी। आप भी अपना इंडियन एयरफोर्स में आवेदन ज़रूर करें। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो साथियों, इंडियन एयरफोर्स में जो एक बढ़िया अपडेट आई, ऑनलाइन आवेदन फिल हो रहे हैं, आज से शुरू हो रहे हैं। आप भी अपना ऑनलाइन आवेदन करें रजिस्ट्रेशन करके। इनके बारे में थोड़ी आज बात कर लेते हैं, प्रोसेस के बारे में। आप फॉर्म कैसे फिल करना है उनके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड इस वेबसाइट पर जाइए। इस पर जाने के बाद आप अपना आवेदन करें। तो क्या क्या प्रोसेस है इनके बारे में थोड़ी आज अपन बात कर लेते हैं। ये लिखी हुई है इनकी डेट। बावीस जनवरी लास्ट डेट 7 फरवरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करें। इनके बारे में सारी डेट दी हुई है इस नोटिफिकेशन में। मैं ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप अच्छी तरह से पढ़कर अपना आवेदन करें। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। जो एज काउंट होगी 16 जनवरी 2001 से लगाकर 29 दिसंबर 2004 तक, अगर इस दोनों डेट के बीच में अगर आपका जन्म है, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, तब आप आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ग्रुप एक्स की बात कर लेते हैं। ग्रुप एक्स के लिए क्या है, 12th pass 50% मार्क्स और इंग्लिश में भी 50 होना ज़रूरी है। चलिए ग्रुप वाई की बात कर लेते हैं। वाई के बारे में क्या दिया, ग्रुप वाई 10th+2 और 50% ग्रेड, इंग्लिश में 50 होना ज़रूरी है। अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है लेकिन इंग्लिश में 50 होना ज़रूरी है ग्रुप वाई के लिए, और ग्रुप एक्स के लिए ऑल सब्जेक्ट 50 ज़रूरी है। इसलिए आगे की ओर ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। ग्रेड पे 1700 रुपये ग्रुप एक्स के लिए और ग्रुप वाई के लिए 26900 रुपये। एज रिलेशन कहाँ गया, एज रिलेशन बार और देखते हैं। अप्लाई के बारे में दिया हुआ है 22 जनवरी लास्ट 7 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके आवेदन होंगे, ये ऑफलाइन आवेदन नहीं, इसके आवेदन ऑनलाइन होंगे। आप भी अपना आवेदन जरूर करें। बस ये थे। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अप्रैल 2021 में होंगे। किस में इनके रिटर्न होंगे। और हाइट और सेस्ट की बात करें तो हाइट इसमें मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। तो हाइट इसमें मांगी गई है 152.5
5 सेंटीमीटर। वेट वेट मांगा गया है इसमें 55 केजी। ये प्रोसेस है इस भर्ती में। और इसकी आयु गणना एक बार पुनः आपको बताता हूँ, जो आयु गणना है 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच वाले आवेदन कर सकते हैं, जो इनके पहले या इनके बाद वाले नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर करना नहीं भूलें। पागलपन, बेचैनी, नई पैशन जरूरी है, मैडनेस इज नीडेड, बहुत ज्यादा जरूरी है। घंटी से है, मस्जिद की अजान से है, मेरी नींद को तकलीफ वहां बॉर्डर पे कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। न भाषण चाहिए न राशन चाहिए, सिर्फ तेरी बोली इन मंत्रियों की वाणी में अनुशासन चाहिए। एंटी नेशनल मीडिया बैठा हुआ, उनकी भाषण उनकी बोली पर अनुशासन चाहिए और सिर्फ एक परमिशन चाहिए। हिंदुस्तानी फौज में इतना दम है, एक दिन के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अपनी इज्जत के कारण इस दुनिया में अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित किया। जिद के दो तरीके हैं, एक अच्छे मकसद के लिए और दूसरा गलत मकसद के लिए। मैं